देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ सीधी तस्वीरें, ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगातार रेस्क्यू कर रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अभी तक 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, ये बड़ी खबर है इस वक्त की, 9 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। खुद डीएम दीपक मीणा ने इसकी पुष्टि की है और अभी तक यहाँ पर एक से दो लोग और हैं जिन्हें निकालने की कवायद जारी है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार 12 घंटे के बाद भी उसी शक्ति के साथ यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। ये जो मकान है तिमंजला मकान था जो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है, आधा मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है, आधा अभी भी जर्जर तरीके से खड़ा है और यहाँ पर स्थानीय लोग, एनडीआरएफ की टीम, पुलिस वाले और तमाम वो टीम्स काम कर रही हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा कर सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी मौसम खराब है, बारिश किसी भी वक्त आ सकती है और इसके अलावा यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ है डेंस आबादी, चारों तरफ बहुत डेंस आबादी है और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बेहद मुश्किल है। घर में बच्चे थे सारे, ऊपर से घर नीचे गिर गया सारा का सारा, सब उसके अंदर दब गए। 12 लोग थे फैमिली के, 12 के 12 दब गए, चार उनके फैमिली के जो बाहर थे वे बाहर काम कर रहे थे। 3 लड़के जवान भारे थे, 1 पोता भारे था और बाकी 1 लड़की आई हुई थी, उसके बच्चे थे और औरतें वगैरह वगैरह सब दब गए। 2 बच गए जो दूसरे कमरे में थे, 2 बच गए, बच्चा बचा या लड़के की बहू बची और बाकी सब भस्म हो गए। चैलेंजिंग था क्योंकि 3 स्टोरी बिल्डिंग अगर एकदम पैनकेक में फॉर्म में आ जाए तो ये बहुत मुश्किल हो पाता है कि उसको निकालना। और सबसे बड़ा चीज एक और चैलेंजिंग है कि अभी नीचे एनिमल्स भी हैं, इसलिए बहुत चैलेंजिंग जॉब था। ये सकरी गलियां हैं, ये भी प्रॉब्लम है, अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल मैम, सकरी गलियों की वजह से कोई भी बड़ी चीज, कोई भी अर्थ मूवर्स जो भी है, जो भी अर्थ मूवर्स जो है वो आ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें टाइम लग रहा है। जो घटना थी यहाँ पे जाकिर कॉलोनी में, उसमें 15 लोगों का, जो उनके रिलेटिव्स थे उन्होंने, उनके द्वारा बताया गया था परिवार के लोगों के द्वारा कि 15 लोग उस टाइम घर में थे, जिनमें से 3 उसी टाइम निकल गए थे, बाकी 12 लोग बचे थे। 12 में से 10 लोग, 9 लोग अभी तक डेड हैं और 2 लोग अभी स्टेबल हैं, बाकी 1 और बच्ची बची हुई है जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर लें। तो टोटल 15 लोगों में से 14 लोग बाहर आ गए हैं परिवार के और 1 और बचा हुआ है जिसके लिए लगातार एनडीआरएफ और प्रशासन पुलिस लगातार उस पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।
और अभी तक जो डेथ टोल है वो 9 लोगों की है। बॉडीज का पोस्टमार्टम करवा के हम जल्दी रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर देंगे।